भागलपुर नौगछिया सहित अंग प्रदेश के लिए एक सौगात। सोनाम मैरिज गार्डन, आप उत्सव मनाए, व्यवस्था हम करेंगे। शादी विवाह, जन्मदिन, रिंग सेरेमनी, पार्टी सहित किसी भी तरह के पार्टी फंक्शन के लिए एक बार अवश्य पधारें। नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा व्यवस्था वाला, जहां उपलब्ध है एसी एवं नॉन एसी कमरे, मंडप, डेकोरेशन, लाइट, म्यूजिक सिस्टम के साथ सभी आधुनिक व्यवस्थाएं। तो आए, आपका इंतजार है होटल फूड प्लाजा के सोनाम मैरिज गार्डन में। हमारा पता है सोनाम मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 9661904817, 7979-499-821। बिहपुर मड़वा इंडियन गैस गोदाम व किरासन तेल थोक विक्रेता का एसडीओ ने किया औचक निरीक्षण। गैस एजेंसी द्वारा गैस वितरण में सुधार की दी चेतावनी। नवगछिया एसडीओ मुकेश कुमार ने गुरुवार को बिहपुर प्रखंड के मड़वा पंचायत के मड़वा इंडियन गैस वितरक के गोदाम का औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण के दौरान गैस गोदाम में एसडीओ ने स्टॉक में केवल 10 घरेलू सिलेंडर एवं 10 वाणिज्य रसोई गैस सिलेंडर ही पाया। मालूम हो कि एसडीओ द्वारा यह कार्रवाई ग्रामीणों की शिकायत के बाद की गई थी। औचक निरीक्षण के दौरान एसडीओ ने वितरक की पंजी का भी अवलोकन किया। एसडीओ ने बताया कि अभिलेख के अनुसार कुछ ऐसी भी उपभोक्ता को रसोई गैस नहीं दिया गया है जो ऑनलाइन गैस बुकिंग कराया था। इससे यह प्रमाणित होता है कि वितरक द्वारा वितरण कार्य नहीं किया जा रहा है। वितरक द्वारा बताया गया कि वर्तमान में दुर्गापुर से गैस सिलेंडर की आपूर्ति होती है। स्वसमय गैस की आपूर्ति नहीं होने के कारण उपभोक्ता को समय पर सिलेंडर देने में कठिनाई हो रही है। वहीं मौके पर एसडीओ ने वितरक को चेतावनी निर्गत किया एवं 15 दिनों के अंदर अपनी कार्यशैली में सुधार लाने का निर्देश दिया। नौगछिया में नागरिकता संशोधन अधिनियम पर परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन। मौके पर मंत्री चौबे ने कहा कि नकली गांधी बनकर देश को किया जा रहा गुमराह। महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध, महावीर, जयप्रकाश की धरती को नकली गांधी कर रहे बदनाम। जो लोग प्रताड़ित होकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से हिंदू, फारसी, सिख, ईसाई धर्म के लोगों को वर्ष 2003 में लोकसभा में कांग्रेस के लोगों ने ही नागरिकता देने की मांग किया था, आज जब नागरिकता कानून लागू कर दिया गया तो नकली गांधी व विपक्ष के लोग बेचैन हो गए हैं। जब राज्यसभा एवं लोकसभा में बिल को लेकर आए थे तो वोटिंग में क्यों शामिल हुए, लेकिन नकली गांधी देश को बांटने का काम कर रहा है। जिस गद्दी के लिए आजादी के समय नकली गांधी ने देश को जाति के नाम पर बांटने का काम किया, उसी गद्दी पर बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, महर्षि अरविंद ने जो अखंड भारत का सपना देखा था उसे पूरा किया और नकली गांधी के द्वारा किए गए पापों को धोने का काम किया। उक्त बातें नौगछिया के नया टोला स्टेशन चौक के पास आयोजित नागरिकता संशोधन अधिनियम परिचर्चा कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कही। वहीं मौके पर उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध, महावीर जैन, लोकनायक, जयप्रकाश की धरती एवं उनके विचारों को वो किसी भी परिस्थिति में बटने नहीं देंगे। हमारे देश के किसी भी नागरिक, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, कहीं भी किसी को जाने की जरूरत नहीं है। जो लोग धर्म के नाम पर प्रताड़ित होकर यहाँ रहने के लिए आए हैं उन्हें नागरिकता देने का सरकार काम कर रही है। वहीं मौके पर उन्होंने बताया कि आजादी के लड़ाई में पूरे देश के लोगों ने हिस्सा लिया था। हर धर्म के लोगों ने अपनी कुर्बानी देकर देश को आजादी दिलाई थी। नौगछिया स्टेशन इसका गवाह है, जहाँ 18 वर्षीय नौजवान आजादी के दीवाने शहीद मुंशी शाह तिरंगा फहराने के लिए अंग्रेजों की गोली खाकर भी स्टेशन पर तिरंगा फहराया, लेकिन कुर्सी की लालच में नकली गांधी ने धर्म के नाम पर देश को बांटने का काम किया है। वहीं मौके पर नौगछिया पुलिस जिला के जिलाध्यक्ष विनोद मंडल सहित सभी मंडल अध्यक्ष ने माला पहनाकर सम्मानित किया। वहीं कार्यक्रम में विनोद मंडल, नरेश प्रसाद शाह, अरविंद चौधरी, विजय चौधरी, महंत नवल किशोर दास, सत्य प्रकाश झा, भोला कुमार, सुनील यादव, सवाना आजमी, मनोज पांडे, आलोक सिंह, सज्जन अवस्थी, चंद्र किशोर शर्मा, सदानंद भगत, मुरारी चिरानिया, कौशल जायसवाल, संजीव कुमार उर्फ झाबो, विजय यादव, मुकेश शर्मा, आलोक शर्मा, रूपेश रूप, नीलंबर झा, प्रमोद मंडल, वरुण सिंह, श्रवण बिहारी, रामनाथ पासवान सहित कई अन्य मौजूद थे। भाई कांग्रेस का नाम भुला देंगे तो मेरी सत्ता कैसे चलेगी।
मेरे खानदान करते जिंदा रहे, माफ करना देश के अंदर यह खानदान कर चलाने वाले खानदानवाद रूढ़ी परस्ती खानदानवाद को जिसने देश को बदनाम किया है, यह खानदानवाद का देश नहीं चलेगा। ये देश अब गरीब मां के कोख से पैदा होने वाला बेटा भी इस देश का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनेगा, बनके दिखाया है। एक वैसे बेटे को जिसकी मां दासी थी, जिसकी मां दासी थी, जिनको भर पर भोजन नहीं मिलता था, चाय बेच करके उन्होंने अपने बचपन को बिताया, जवानी बिताया, कहां कहां नहीं गया, उस व्यक्ति को उस पर गुस्सा है। क्या क्या बात होता है, गरीब का बेटा अगर फुल पैंट पहन लिया तो पैंट सूट वाली सरकार का पार्लियामेंट में आपने सुना, मैं तो प्रत्यक्ष दर्शी हूं और मैंने उनसे कहा जवान खींच लूंगा जिस गरीब के बेटे को भी आपने पैंट सूट पहनने का हक भारत के लोकतंत्र में सबको सबको आजादी है कि सबको ये कपड़ा वस्त्र मकान भोजन सबका मूल मिलना ये भारत के मूल अधिकार है। ऐसी तुच्छ बात करने वाले नरेंद्र मोदी को जिसने इस देश के लिए इतना कुर्बान देने का काम किया है, जो सबका साथ सबका विकास और सबके प्रति न्याय, कोई भेदभाव नहीं, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास हासिल करके हिंदुस्तान ही पूरे विश्व में तहलका मचाने वाला ये 136 करोड़ भारत का वो 56 इंच का सीना भारत के 136 करोड़ के आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहा है। वही नकली टोपी पहन करके नकली गांधी बन करके इस देश को लज्जित करने का काम, इस देश को शर्मसार करने का काम कर रहा है। माफ करिएगा, हाल के दिनों में यह भी कह दिया गया है चुनावी सभा में महिलाओं के बारे हमारे भारत की माता बहन हमारी यहां बैठी वहां खड़ी वहां सभी घर में हर माता बहन हमारे लिए लक्ष्मी यादव ईश्वर हो गए छू लक्ष्मी रूपे में संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। हर घर में हमारी माँ लक्ष्मी के रूप में, हमारी बहन बेटी भाव लक्ष्मी के रूप में क्या कहा गया। इस देश के अंदर प्रधानमंत्री जी ने जो अपने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का बहुत इज्जत करता है, लेकिन ये मैं जानता हूं कि देश के लिए कुर्बानी अनेकों ने दिया, आजादी की लड़ाई में जंग लड़ने वाले अनेकों लोग थे जो आज नहीं रहे, ये स्टेशन में गवाह है, नौगछिया स्टेशन गवाह। शहीद मुंशी जी इसी स्टेशन पर भारत का तिरंगा झंडा फहराते हुए शहीद हो गए थे। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, ये शहीद मुंशी सिंह का नगर है नौगछिया, और यही मैदान है जहां कभी उन्होंने भारत का तिरंगा झंडा फहराया, शहीद हो गए अंग्रेजों के गोलियों से, लेकिन भारत माता की जय जयकार कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, आज मैं आप सबको इस कानून के पृष्ठभूमि को नवगछिया अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 50 छात्र छात्राओं की टोली मुजफ्फरपुर रवाना। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 61वें प्रांतीय अधिवेशन में भाग लेने के लिए नवगछिया के विभिन्न इकाई से 50 छात्र छात्राओं की टोली मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हुई। टोली में उपस्थित छात्र छात्राओं के द्वारा भारत माता की जय, वंदे मातरम, फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है सहित कई नारों से नवगछिया बीरपुर के स्टेशन पर गुंजायमान की स्थिति हो गई। इस मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद
के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैप्पी आनंद ने बताया कि इस प्रकार के कार्यक्रम से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार होता है। गोपाल झा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य ने कहा कि कार्यकर्ताओं में समरसता की भावना जागरूक करने हेतु अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक अनोखा कार्यक्रम है। वहीं मदन अहिल्या कॉलेज अध्यक्ष स्मृति सिंह ने कहा कि विद्यार्थी परिषद ही एक ऐसा संगठन है जो छात्राओं के हित में निष्ठापूर्वक कार्य करती है और नेतृत्व के योग्य बनाकर नेतृत्व का अवसर भी देने का काम करता है। इसलिए विद्यार्थी परिषद सभी संगठन से उत्कृष्ट है। मौके पर रचना कुमारी, भावना कुमारी, श्री ओम साकेत कुमार, रोशन प्रिंस इत्यादि ने खुशी का इजहार करते हुए परिषद की अन्य कार्य की प्रशंसा की। नवगछिया, युवा जदयू जिलाध्यक्ष के साथ अन्य कार्यकर्ताओं को किया गया सम्मानित। बुधवार को वरिष्ठ बिहार प्रदेश नेता अजीत कुमार पटेल उर्फ बाबा ने जदयू जिलाध्यक्ष सोनू कुमार जायसवाल, जिला उपाध्यक्ष अभिषेक भगत व जिला प्रधान महासचिव सह प्रवक्ता प्रशांत कुमार कन्हैया को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। प्रवक्ता प्रशांत कुमार कन्हैया ने पटेल को धन्यवाद ज्ञापन करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में बेहतर कार्य को लेकर अपने संगठन से विस्तार से चर्चा की। अब वाहन प्रदूषण जांच केंद्र आपके अपने मकनपुर चौक नौगछिया NH 31 पर। संपर्क करें शुभम धर्मकाटा NH 31 अरविंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल के सामने मकनपुर चौक नौगछिया। मोबाइल नंबर 9065282725। आइडियल विद्या मंदिर हरनाचक नवगछिया। कक्षा नर्सरी से अष्टम तक बस की सुविधा के साथ नवगछिया का एक श्रेष्ठ स्कूल। प्राचार्य प्रमोद कुमार सिंह, हमारा मोबाइल नंबर है 9934261437। 9934261437। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए संपर्क जरूर करें। आवासीय विद्या मंदिर हरनाचक नवगछिया। नवगछिया की धरती पर शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति के साथ प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल NH 31 नवगछिया। कक्षा नर्सरी से दसवीं तक। हमारी विशेषताएं स्मार्ट क्लास, CCTV परिक्षेत्र, रेसिडेंटल फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, लाइब्रेरी, कंप्यूटर एंड साइंस लैब, स्पोर्ट्स सहित कई आधुनिक व्यवस्थाओं के साथ। हमारा पता है प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल NH 31 नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 88093047333, 73861 IAS IPS फाउंडेशन क्लासेस। अब कक्षा 6-7 से ही UPSC की तैयारी शुरू। एक बार जरूर पधारे प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल। गोपालपुर, पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर कंबल का वितरण। पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर पचगछिया बाजार स्थित शिव मंदिर के प्रांगण में अभी आदिवासी चंदन भगत द्वारा निसहाय लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। मौके पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष आलोक सिंह व मंडल अध्यक्ष पंकज शर्मा की मौजूदगी देखी गई। नवगछिया के खरीक में मनरेगा के इद को स्वाहित्व में प्रयोग करने और राशि गमन करने का आरोप। नवगछिया अनुमंडल के खरीक थाना क्षेत्र के खरीक बाजार पंचायत के कठेला गांव के निवासी अमरजीत कुमार ने खरीक बाजार पंचायत की मुखिया उमा देवी एवं उनके पति संजय कुमार चौधरी पर सरकारी राशि गबन करने एवं मनरेगा में बिछाए गए ईंट को उठाकर अपने दरवाजे पर बिछाकर चबूतरा बनवाने के संदर्भ में मनरेगा के कार्यक्रम पदाधिकारी से शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। अमरजीत का कहना है कि वर्तमान मुखिया उमा देवी और उनके पति संजय चौधरी के कार्य की जांच होनी चाहिए, क्योंकि कहीं भी योजना के अनुसार कार्य नहीं किया गया है। यहां तक कि पूर्व में मनरेगा के कार्य के अंतर्गत वृक्षारोपण वाला ईंट उखाड़कर अपने घर का चबूतरा बना लिया गया है। इस कार्य में चालक बबलू चौधरी भी शामिल है। अमरजीत का कहना है कि मुखिया पति संजय चौधरी दबंग व्यक्ति है जिसके डर से कोई कुछ भी नहीं बोल पाता है। उन्होंने कार्यक्रम पदाधिकारी से मामले की जांच करने और उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है, अन्यथा मामले को न्यायालय में ले जाने की चेतावनी भी दी है। वहीं पूछे जाने पर मुखिया प्रतिनिधि एवं पूर्व मुखिया संजय कुमार चौधरी ने कहा कि मामला पारिवारिक जमीन विवाद का है। जमीन विवाद में अपना हित साधने के लिए आवेदक तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। पूरा मामला निराधार और तथ्यहीन है। नवगछिया, शराबियों को छुड़ाने के लिए नदी थाने में उपद्रव करने वाले आरोपितों को पुलिस ने किया गिरफ्तार।
नवगछिया के नदी थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार शराबियों को पुलिस गिरफ्त से मुक्त कराने के लिए थाना परिसर में घुसकर उपद्रव और पुलिस के साथ बदसूल की व सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप में आरोपित कालूचक निवासी गौतम कुमार यादव पिता सुधीर प्रसाद, रंजीत यादव पिता उमेश यादव एवं अनमोल यादव पिता सुधीर यादव को नदी थाना अध्यक्ष महताब आलम ने गुरुवार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। वहीं गिरफ्तार सभी आरोपित नदी थाना कांड संख्या 35/19 का नामजद अभियुक्त रहा है। इस संदर्भ में नदी थाना अध्यक्ष महताब आलम ने बताया कि थाना में हंगामा करने के आरोप में आरोपित तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्राथमिकी में अन्य नामजद और अज्ञात अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। जल्द ही अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।